तो आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, क्योंकि इसका पार्ट वन मैंने पहले बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था दिन में कैसा हमने ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ पे गए। और जो ट्रैवलिंग वीडियो चल रही है गाइस, आपका धन्यवाद है आप सभी का जो आप लोग हम पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं हम पे और हम सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, आपका बहुत धन्यवाद। और गाइस देखो, वीडियो में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपको नई नई वीडियो बनाए दिखाएं कौन से शहर कहाँ से, क्योंकि ये सबको दिखना चाहिए, लोग देखते हैं अच्छा लगता है। तो अब वीडियो हम तभी बना पाएंगे जब आप हमको मोटिवेशन दोगे, अंदर से हमारे सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लेकर चलता हूँ सैन फ्रांसिस्को की शाम की और दिन की जो वीडियो थी, और तो रात की भी दिखाएंगे इसमें, और यहाँ पे कहाँ पे इंडियन खाना खाया हमने, कैसा था क्या नहीं था, क्योंकि हमने लंच किया था और डिनर हम पैक करके ले गया था लास्ट में जब हम इधर अपने कैलिफोर्निया की तरफ वापस आ रहे थे। तो वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक चैनल और शेयर कीजिएगा। और आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पे लोग का रहने का और घर वगैरह, क्योंकि हम बेसिकली मैंने ये देखा है कि पुराने घरों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और सब सिस्टमेटिक तरीके से है। आप देख रहे हैं जैसे सामने जो घर बने हैं, रोड है, तो ये अच्छा लगता है ताकि सबको इजीली क्रॉस करना, अपना सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाता है लोगों का। तो मुझे ये घर बहुत प्यार लगे थे जो आप देख रहे हैं सामने, वह छोटे घर हैं और एक अलग अलग डिज़ाइन में है, लेकिन एक लाइन में अच्छे से लग रहे हैं, लोगों ने मेंटेन पुराने घरों को अच्छे से मेंटेन करा है, तो ये अच्छा लगता है। और इसके बाद पहले हम जाएंगे गोल्डन गेट, क्योंकि तो फर्स्ट में वही आया, क्योंकि हमारा जो रूट है वहाँ से चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम ये जा रहे हैं गोल्डन गेट की तरफ, और उसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है वहाँ एंटर करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को, और जो गोल्डन गेट के जो फर्स्ट में हमने एंटर किया वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं गाइस, अगर यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो आपको बस भी मिल सकती है, सैन फ्रांसिस्को से भी मिल सकती है और उसके नज़दीक के एरिया से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बस चलती है जो आपको डायरेक्टली गोल्डन गेट में एंटर करवाएगी। यहाँ पे आप रुक सकते हो, फोटो वोटो खींच सकते हो, सामने सी है, ले है, काफ़ी कुछ है और सब कुछ अच्छा है। बस वगैरह भी आप यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है, और हम सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। कुछ फ़ोटो भी लिए थे हमने स्टाइल मारने के लिए, तो ये फोटो में भी आप देख लो लेकिन अच्छा लगा, अच्छी हवा है, स्वच्छ वातावरण है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है सिटी के अंदर और ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक
गाड़ी हो, ट्रेन हो, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक ही चल रहा है, आज यूज हो रहा है, तो इसलिए क्लियरिटी सब दिखाता है, आसमान भी साफ रहता है। और टूरिस्ट बहुत थे तो हमने उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया, हम अपना टाइम से अपना फ़ोटो वोटो खींच के निकल गए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, बस वगैरह टूरिस्ट रुकते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, दूसरी बस पकड़ते हैं, चले जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी जगह जहाँ से पूरा सन फ्रांसिस्को दिखता है पूरा। ये पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ज़रूर इसको विजिट करें एक बार ज़रूर। यहाँ पे आपको पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ से पूरा सन फ्रांसिस्को दिखता है और अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से पूरा एकदम। काफ़ी लोग आते हैं, स्टूडेंट वगैरह। यहाँ पे स्कूल भी है एक नज़दीक में, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे देखने को आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, लोकल लोग भी घूमते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। खुला है, सब दिखता है व्यू। और आपको अब हम लेके जाते हैं, क्योंकि भूख लग गई थी, क्योंकि हमारा पहला था कि पहले लंच करेंगे, तो हमने सर्च किया और इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे नज़दीक में मिला। मैं आपको उसका नाम दिखा दूँगा, बोर्ड दिखा दूँगा। बस गाइज यहाँ पे एक चीज़ है, आप मेन रोड पकड़िएगा, आप जो मेन रोड है उसी में चलिएगा, गली वगैरह में अंदर मत घुसना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेंजर है। थोड़ा जैसे अपने होते हैं, जैसे लोकल लोग थोड़ा सा पैसा वैसा छीन लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो थोड़ा सा उसका डेंजर है, ये मुझे बताया किसी ने। क्योंकि जो यहाँ पे हमारे संग रहते हैं, वो काम करते हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि आप रोड ही पकड़ेगा, रोड में चलेगा। यहाँ पे देखिए बस के टिकट वगैरह के लिए, आप यहाँ से खड़े हो जाइए, टिकट लीजिए, पैसा यहीं पे हो जाएगा, बस आपको यहीं पे रिसीव करेगी और जाएगी। ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, कहीं पे कुछ हर जगह पे लगेगी। तो ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, हमने ऑर्डर करवाया, मैंने तो थाली ऑर्डर करवाई थी और मुझे थाली अच्छी लगी थी, खाना अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। ये लोग नेपाल के थे और इन्होंने नेपाल और इंडियन नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था, अच्छा होटल है। थाली अच्छा बढ़िया लगी मेरे को, सब कुछ मिल गया, स्वीट था उसमें, स्वीट में थोड़ा मुझे डाउट था क्योंकि थोड़ा पुराना लग रहा था मेरे को। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक जो बस है, ट्रेन टाइप की है, बस बोले ट्रेन बोले, ये चलती है गाइस यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो में देखना, अभी आगे वो आएगी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया है कि लोग यहाँ जैसे ट्रेन वगैरह आती थी, कोई आ गई, इसमें लोग इन्जॉय करते हैं, टूरिस्ट टाइप का भी है ये, और वैसे भी चलती है एक जो पब्लिक टूरिस्ट वाली है घूमने के लिए, एक बड़ी चलती है जो पब्लिक यूज करती है, तो अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे देश में भी होनी चाहिए, कहीं कहीं पे हैं जैसे, लेकिन कहीं पे नहीं है। तो इसमें क्या है, एक तो गाड़ियाँ वगैरह जो ट्रैफिक वगैरह भी थोड़ा कम हो जाएगा और टूरिज़्म भी बढ़ेगा। बस मेरा तो ये वही है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है लेकिन टूरिज़्म है, हो सकता है तो वहाँ पर होना भी ज़रूरी है। और अब हम खाने खा के निकल गए पूरा घूमने को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है एक चाइना टाउन है, यहाँ पे पूरा चाइना का जैसे बना रखा है उन्होंने, सामान वगैरह मिलता है, ये मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको विजिट करवाएंगे। और यहाँ वहाँ पे आगे जाके आपको एक इंडियन शॉप भी मिलेगी, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ पर आपको इंडियन शॉप करके है, उसमें सारा सामान मिल जाएगा आपको, प्रेशर कुकर, आपको जो मर्जी चाहिए, बर्तन वगैरह, खाना वगैरह सब मिलेगा। उसका मैंने वीडियो डाला है, आप देख लेना और आप वहाँ से ले सकते हैं अच्छे, थोड़ा सा इंडियन तो महंगा मिलेगा आपको, लेकिन सही प्राइस है वहाँ पे। और यहाँ पे जो ताज होटल भी देखा, ये इंडिया का फ्लैग देख के खुशी हुआ कि यार अपना ताज होटल यहाँ पे भी है, क्योंकि मैं यहाँ पहले काम कर चुका हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर हम यहाँ से, यहाँ पे होटल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर स्टे करना तो कर सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है अगर आप छोटा लेंगे कोई, तो छोटे होटल भी हैं लेकिन थोड़ा आउट है, यहाँ पे सब बड़े होटल हैं सिटी के अंदर में।
अब रात हो गई थी 7 बज गए थे कम से कम, तो हमने सोचा तो निकलना चाहिए, तो मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किया, तो वो भी बोल रहा था कि आएगा आएगा, थोड़ा डर लग रहा था कि आएगा नहीं आएगा, फिर बाद में आ गया और फिर हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन पर वापस कैलिफोर्निया की तरफ। और डिनर लेना था तो हमने उससे बात करी, उसने हाँ ठीक है डिनर के लिए रुक जाएंगे, तो गाड़ी बहुत तेज़ हाथ लगा इस, मैंने उसको बोला भाई सुबह चल कोई बात नहीं करेंगे डिनर, लेकिन आराम से चल, एक जगह था तो वहाँ पर चले गए थे, लेकिन खाना तो मेरे को अच्छा लगा वहाँ का, बहुत ही सही गाड़ी देखी गाई, ये गाड़ी बिना ड्राइवर चलती है, बिना ड्राइवर के ये घूमती रहती है। उसका वीडियो मैंने क्लोज से बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया, लेकिन फिर दोबारा मुझे मिल गई गाड़ी रास्ते में। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो धन्यवाद। और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन ऑफ वापस, नाइट लाइफ ये है, लोग घूमते हैं खाते हैं पीते हैं, थोड़ा इंजॉय भी करते हैं, दिन भर काम करते हैं लोग, तो यही है यहाँ की लाइफ लाइफ में, ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, इतना मैं क्लोज नाइट लाइफ में रुका नहीं, हम 7-8 बजे तक रुके थे, लेकिन वहाँ पर 7-8 बजे बोले तो क्लोज होने लग गया था, तो अगर आप जा रहे हैं तो जितना हो सके तो 7-8 बजे निकल जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन 7-8 बजे जल्दी क्लोज हो रहा था, मुझे भी थोड़ा सा अलग ही लगा, दुकानें वगैरह सब बंद होना मेरे को भी थोड़ा सा अलग लगा, तो हो सके तो आप 7-8 बजे अपना रूम में हैं तो रूम में चले जाइए, होटल ले रहे हैं तो होटल में चले जाइएगा। और थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जो नया ट्रैवलिंग होगा, और हम सोच रहे हैं कहाँ जाएँ तो वहाँ जाएंगे, जो बेस्ट जगह लगेगी हमें, और जो मान लिया थोड़ा सही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।